हाय गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कैसे एक अकाउंटिंग वाउचर को देख के उसकी जर्नल एंट्रियां तय होती है, कैसे एक अकाउंटिंग के वाउचर को देख के उसमें से डेबिट क्रेडिट तय होते हैं, कैसे उस अकाउंटिंग के वाउचर की पहचान करेंगे भी ये हमारा ट्रेडिंग गुड्स के वाउचर है या हमारे किसी एक्सपेंसेस के वाउचर है या हमारे किसी एसेट के वाउचर है। तो गाइस, मैं मोहन सुतार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर में। गाइस, बहुत से स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है, विशेषकर फ्रेशर और आर्ट के स्टूडेंट मन में भी अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री क्या चीज होती है। तो गाइज, आपने बहुत सारे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, उसमें केवल आपको अकाउंटिंग के जर्नल एंट्रियों के बारे में अकाउंटिंग के संबंधित आपको 4 या 5 लाइनें लिख दी जाती है। राम से सामान खरीदा, शाम को सामान बेचा, एबीसी ट्रेडर्स को चेक के द्वारा भुगतान किया और ये हमारे नकद किराया दिया वगैरह वगैरह, और उसमें से आपको गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट कैसे तय होते हैं वो बता दिए जाते हैं। तो गाइस, इसके अंदर कुछ एक स्टूडेंट के ये चीजें तो समझ में आ जाती है, लेकिन बहुत से सारे स्टूडेंट के मन में इसी चीज का कंफ्यूजन बना रहता है भी पता नहीं डेबिट और क्रेडिट क्या चीज होती है। तो गाइस, एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो रियल अकाउंटिंग लाइफ के अंदर आपको कभी भी कोई लाइनें आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, वहां पे आपको सामना करना पड़ेगा तो ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल वाउचर। ओरिजिनल वाउचर मीन्स आपने सामान खरीदने का रिकॉर्ड आपके पास क्या है, आपने किन किन चीजों का नकद भुगतान किया। जैसे ये मेरे पास एक अकाउंटिंग के वाउचर है, आप कैसे इस वाउचर में से देख के आप ये चीज तय करोगे भी ये वाउचर हमारे किस चीज का है, क्या चीज इसके अंदर हमारे पास है एक्सपेंसेस आ रहे हैं, या हमारा कोई ट्रेडिंग का पर्स है, या हमारा किसी बैंक का वाउचर है, या किसी अदर पार्टी का वाउचर है, किसी अदर चीज का, कैसे तय करेंगे एक वाउचर को देख के। तो आपको गाइज रियल लाइफ के अंदर ओनली आपको अकाउंटिंग वाउचर का ही फेस करना पड़ेगा, इन्हीं चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो गाइज, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अकाउंटिंग के ओरिजिनल वाउचर में से कैसे पहचान होती है एक जर्नल एंट्री की और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के। तो गाइज, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अब हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइज, शुरू करते हैं आज की जर्नल एंट्री ओरिजिनल अकाउंटिंग वाउचर के साथ। तो गाइज, जब हमने हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर, हमारे चैनल का सेकंड वीडियो जो था उसके अंदर, हमने अकाउंटिंग के गोल्डन रूल को समझने के लिए, डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए हमने कुछ अकाउंटिंग से संबंधित कुछ लाइनें यहाँ पे प्रेजेंट करी थी। अकाउंटिंग से संबंधित हमने सेल्स, परचेज, पेमेंट और रिसिप्ट के लेन देन के बारे में कुछ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हमने लिखी थी। लेकिन गाइज, कुछ एक स्टूडेंट्स का हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे कि सर, हमें लाइन को देख के तो डेबिट और क्रेडिट हमें तय करना आ गया, लेकिन हमें अगर इसका हमें ओरिजिनल वाउचर अगर हमारे सामने आए तब हमें कंफ्यूज होती है। तो गाइज, हमने इन्हीं लाइनों को एज ए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कन्वर्ट कर दिए। तो गाइज, देखते हैं इनको अपने, अगर हमने इन चीजों को कन्वर्ट करते हैं तो हमारा वाउचर किस तरीके का बन जाता है और उस वाउचर को देख के हम कैसे पहचान करेंगे भी हमारा सेल वाउचर है, परचेज वाउचर है, पेमेंट वाउचर है या रिसिप्ट वाउचर है, हम इसमें जर्नल एंट्रियां कैसे बनाएंगे और इसमें से हम डेबिट और क्रेडिट कैसे तय करेंगे। तो गाइज, चलते हैं हमारे नेक्स्ट के बारे में। तो गाइज, एक बार हमारे ये गोल्डन रूल्स थे, अगर आपने इस गोल्डन रूल को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज एक बार इसको रिव्यू जरूर कर लें। तो गाइज, इसके अंदर आपको मैं एक हिंट दे दूं, एक जो जरूरी सूचना थी इसके अंदर, गाइज मैंने एक लिखा है, व्यापार में जो सामान बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है वो हमारा ट्रेडिंग गुड्स होता है, बेचने के पर्पज से। यानी कि आज हमारा बिजनेस किराने का है तो जो हमने गुड़, चीनी, चावल वगैरह जो हमने खरीदा बेचने के लिए वो हमारा ट्रेडिंग का पार्ट्स है, और व्यापार में जो सामान व्यापारिक उद्देश्य से खरीदा जाता है वो नॉन ट्रेडिंग गुड्स। मींस अगर जैसे व्यापार तो हमारे किराने का है लेकिन हमने उसके अंदर फर्नीचर वगैरह, कोई कार या कोई मोटरसाइकिल वगैरह, कोई कंप्यूटर वगैरह खरीद लिया भी, जिसको हमको वापस रीसेल नहीं करना, उसका हमें बिजनेस के अंदर यूज करना है, उससे हमारा बिजनेस के व्यापार के अंदर ग्रोथ होगी, वो हमारा एसेट यानी हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो गाइस, ये था हमारा वाउचर जो हमारी अकाउंटिंग के अंदर हमने फर्स्ट लाइन लिखी थी। तो गाइज, अब इसके अंदर हमारी फर्स्ट लाइन ये थी, हमने राम एंटरप्राइजेस से 35,471 रुपये का किराना सामान अपने खरीदा था। तो गाइज, जब अपने परचेज करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक इनवॉइस प्रेजेंट होएगा जो हमें राम एंटरप्राइजेस से हमें मिलेगा।
तो गाइज अब इस वाउचर को देख के हमें तय करना है भी ये वाउचर हमारे किस चीज का, ये वाउचर हमारे द्वारा बनाया गया या हमें किसी पार्टी के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो गाइज हमने एक चीज पहले भी तय करी थी जो आपको मैं बता दूं, मैंने वर्डिंग लिखा था भी हमारे फर्म का नाम रहेगा श्री श्याम ट्रेडर्स, ये हमारे बिजनेस का ये नाम रहेगा श्री श्याम ट्रेडर्स, यानी कि हमारे फर्म का नाम है और उसके अंदर उस फर्म का प्रोपराइटर यानी कि उसका मालिक रहेगा राजेश कुमार। हमारी फर्म का नाम था श्री श्याम ट्रेडर्स। तो गाइज हमें एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी टाइप का अगर हमारे पास इसको इनवॉइस हो, चाहे वो सेल है, चाहे परचेज है, चाहे वो पेमेंट है, चाहे रिसिप्ट है, चाहे बैंक्स के वाउचर है, जो जिस पार्टी का नाम सबसे पहले हेडर पे लिखा होता है, हेडर का मीन्स सबसे ऊपरी ऊपर उसके बिल बुक के ऊपर जो हमें इनवॉइस मिलती है, उस इनवॉइस के ऊपर जो नाम लिखा होता है, इसका मतलब वो इनवॉइस सामने वाले बंदे को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उस पार्टी को ये इनवॉइस अपना दे रहा है। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ भी अब यहाँ पे देने वाला कौन है, सेलर कौन है, राम इंटरप्राइजेस, तो फिर खरीदने वाला कौन है, श्री श्याम ट्रेडर्स। अब श्री श्याम ट्रेडर्स कौन है, हम खुद हो गए, तो इसका मतलब हो गया भी हमने राम इंटरप्राइजेस से सामान हमने परचेज किया है। अच्छा अब हमें एक चीज से पता चलेगा भी ये हमारे पास क्या चीज है, यहां से गाइस हर कोई भी जब आप गुड्स परचेज करते हो मार्केट में से और उस सामान का जब आप इनवॉइस लेते हो या बिल लेते हो तो उसके ऊपर एक इनवॉइस जरूर लिखा होता है। इनवॉइस का मतलब भी आपने जो सामान हमारी दुकान से परचेज किया है उसका एक आपके पास प्रूफ है, ये बिल ये आपका इनवॉइस है पक्का, एक नंबर का इनवॉइस। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने इसके इनवॉइस भी बात करी थी भी इनवॉइस नंबर 654 नंबर से हमने सामान खरीदा, तो इनवॉइस नंबर भी हो सकता है लिखा हुआ या बिल नंबर भी हो सकता है, या ओनली कई बार किसी मतलब बिल बुक के ऊपर ओनली वाउचर्स नंबर 654 भी लिखा हो सकता है, तो सेम ही चीज है, इसमें कोई इश्यू नहीं है गाइज। यहाँ पे डेट भी जिस दिन हमने बिजनेस शुरू किया था 5 तारीख को। तो गाइज अब जो सेलर है यानी कि जो सामान बेचने वाला है उसका नाम हेड पे है, उसका नाम हाईलाइट पे है, और जो कस्टमर खरीद रहे हैं उसका नाम यहाँ पे पार्टी नेम होता है। अब कई इनवॉइस के ऊपर पार्टी नेम लिखा होता है, कईयों पे कस्टमर नेम भी लिखा हो सकता है या कईयों पे ओनली नेम भी लिखा हो सकता है, तो ये भी कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है क्योंकि तीनों का मीन्स है जो सेम ही है। तो अब गाइस इसमें से हमें पहचान करनी है भी हम राम इंटरप्राइजेज हैं या श्री श्याम ट्रेडर्स हैं। गाइस अगर हम हैं श्री श्याम ट्रेडर्स तो इसका मीन्स हुआ हमने राम इंटरप्राइजेज से सामान परचेज किया, क्योंकि ये इनवॉइस है, यहाँ से हमने को पता चलेगा। और इस इनवॉइस के अंदर हमने क्या कुछ परचेज किया है उस आइटमों की डिटेल यहाँ पर है, ये हमारी इन्वेंट्री होती है जिसको हम स्टॉक आइटम में बोल देते हैं। इसमें जैसे शुगर वगैरह होगी, टी वगैरह होगी, राइस यानी कि चावल वगैरह हमने परचेज कराया है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितना कितना परचेज किया है, यहाँ पे उसका रेट पर क्विंटल, पर केजी, पर पीस, पर पैकेट का होता है जो, और यहाँ पे इनकी अमाउंट। तो गाइस इन टोटल सभी का तीनों आइटमों का टोटल हमारा ये बन गया 35,471 रुपये। तो गाइस इस वाउचर का मीन्स हो गया भी हमने राम इंटरप्राइजेस से 35,471 रुपये का सामान परचेज किया है। तो गाइज अगर इस पे अगर हम गोल्डन रूल्स की अगर हम बात करें तो इस पे रूल कौन सा लागू हो जाएगा, अब राम इंटरप्राइजेस किस टाइप का खाता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट गाइज एक बार आपको मैं बता दूं मोटे तौर पे भी जिस व्यक्ति या जिस कंपनी के साथ हम व्यापारिक रिलेशन रखते हैं, जिससे हम सामान खरीदते हैं, जिससे हम सामान बेचते हैं, जैसे राम इंटरप्राइजेज एक कंपनी का नाम हो गया, एक दुकान का नाम हो गया, हम इससे रिलेशन रखते हैं क्योंकि हम इससे सामान खरीदते हैं, इसको बेच भी सकते हैं, इसे खरीद भी सकते हैं, इसको हम भुगतान भी करते हैं, तो जिस बंदे से हम रिलेशन रखते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंदर ही कवर होता है, चाहे वो हमारे से सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो हमको सामान बेच रहे हैं, चाहे वो बैंक वगैरह हो जाए, सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं। तो गाइस इस रूल के अनुसार हमने हमारी दुकान में सामान आया है क्योंकि हमने परचेज किया है, तो अब जब हम सामान परचेज करते हैं तो रूल क्या कहता है हमारे अकाउंटिंग रूल का, यहाँ पे हमने इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ भी, सामान अगर हमारे व्यापार में आ रहा होता तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ओके गाइस अब इसका मतलब सामान हमारे व्यापार में आ रहा है तो गुड्स डेबिट होएगा। तो अब इस चीज को तय करना है कि ये सामान हमारा उधार है या नगद है। तो गाइस एक चीज यहां से भी वो चीजें तय होगी, वो नगद है या उधार है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन लिखे हुए, कैश या क्रेडिट। अब देखो ये टिक मार्क है जो क्रेडिट पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये उधार है। तो गाइज आपको मैं एक रूल्स की बात बता दूं, हो सकता है यहाँ पे टिक ना भी लगा हो किसी वाउचर पे, तो गाइज आपको विशेषकर इस चीज का ध्यान में रखना, आपको भी किसी भी इनवॉइस की अमाउंट अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो और उस बिल की अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है
तो वो इनवॉइस 100% क्रेडिट ही होएगा, यानी उधार ही होएगा। हम इनकम टैक्स या अकाउंटिंग रूल के अनुसार हम 10,000 रुपये से ज़्यादा का सामान हम एक टाइम नकद नहीं खरीद सकते। तो गाइस अब आपके मन में कन्फ्यूजन होएगा कि हम 35,471 रुपये का भुगतान कैसे करेंगे। तो गाइस इसका अगर हमें वन टाइम भुगतान करना पड़े तो हमें बैंक द्वारा ही भुगतान करना पड़ेगा, हम इसको वन टाइम 35,471 रुपये नकद नहीं दे सकते। अगर आपको कैश देना ही है तो आपको 10,000 रुपये की आपको अलग अलग डेज के अंदर इसकी एंट्रीज करनी पड़ेगी। वन डेज अपने रूल के अनुसार इसको नहीं दिखा सकते, जैसे 5,000 आज दे दिए, 5,000 दो दिन रुक के दिखाएंगे, फिर 5,003 रख के, फिर 10,000, यानी कि एक दिन के अंदर एक पार्टी को 10,000 रुपये की ज़्यादा की कैश अलाउड नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी टाइप की, चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टी है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि सामान हमारे व्यापार में आया तो सामान डेबिट होएगा, तो फिर सामान को देने वाला कौन हो गया? राम एंटरप्राइजेज, जिसे हम खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात वो हमको सामान देने वाला हो गया। तो अब जब देने वाले की कंडीशन के अंदर क्या रूल लागू होता है, भी पैसा या उधार सामान अगर हमें कोई दे रहा है तो वो क्रेडिट होएगा। तो इसका मीन्स क्या हो गया, भी किराना गुड्स तो हमारा डेबिट होएगा और राम एंटरप्राइजेज क्रेडिट होएगा। तो गाइज इसकी एंट्री भी मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री ये बना दी। अब इसकी एंट्री क्या आएगी, किराना गुड्स अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंटरप्राइजेज। तो गाइज अब आपके मन में इस टाइप का कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि हमने बहुत सारी वीडियो देखे हैं या हमने बुक्स के अंदर तो ये चीजें पढ़ी हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंटरप्राइजेज, ये चीज जो मैंने प्रेजेंट करी है, आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, वहां पे लिखा होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंटरप्राइजेस। तो गाइज वो एज बुक्स की बात है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओरिजिनल प्रैक्टिकल की। अगर आप प्रैक्टिकली अकाउंट से करें तो आपको डेबिट करने क्या चीज डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो एंट्री कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको कॉमोडिटी का नाम साथ में रखना जरूरी है गाइज। अगर आप परचेज अकाउंट डेबिट लिख दोगे तो थर्ड पार्टी को कोई पता नहीं चलेगा भी आपकी इसके अंदर क्या चीज परचेज हो रही है, कॉमोडिटी क्या है। आप इसके अंदर किराना गुड्स परचेज कर रहे हो या कोई कॉस्मेटिक गुड्स परचेज कर रहे हो या कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेज कर रहे हो, तो गाइज इन चीजों का हमें नहीं पता चलेगा अगर हमने सीधा ये लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। अगर हमने इसको प्रेजेंट कर रहे हैं किराना गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट, तो गाइज ये हर एक बंदे को पता चल जाएगा कि इस 35,471 रुपये के अंदर ओनली किराना का ही सामान है। तो गाइज एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रियल प्रैक्टिकल अकाउंट के अंदर हमेशा कॉमोडिटी का नाम साथ में लिखा जाता है। ओके गाइज, तो इसके अंदर डेबिट होने वाली चीज किराना गुड्स था, तो हमने किराना गुड्स अकाउंट डेबिट टू राम एंटरप्राइजेस। हर वाउचर्स के अंदर एक चीज डेबिट होती है, एक चीज क्रेडिट होती है, तो डेबिट के कॉलम में डेबिट की अमाउंट आ जाएगी और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी। तो गाइज सेम इसी तरीके से हमारी सेकेंड इनवॉइस एंट्री थी भी, हमने वर्ड लिखा था, वर्ड हमारा क्या था भी, मुकेश कुमार को 2,856 रुपये का सामान बेचा। तो गाइज इसके अंदर हमारी सेल हो रही है, अब यहाँ पे हमें किससे पता चलेगा भी ये हमारी सेल है या परचेज है। तो गाइज एक चीज यहाँ पे इस चीज को क्लियर करो, जब आपने गुड्स हमने परचेज किया था श्री श्याम एंटरप्राइजेज के अंदर हमारी फर्म के अंदर, तो बेचने वाले का नाम यहाँ पे था और खरीदने वाले का नाम यहाँ पर था। अब हम सेलर बन गए, यहाँ पर तो थे हम परचेजर, अब यहाँ पर हम बन गए सेलर। अब सेलर की कंडीशन में क्या हो गया, जो सामान बेचने वाला होगा उसका हेड हमेशा ऊपर होगा और जो खरीदने वाला होगा उसका नाम हमेशा कस्टमर नेम, पार्टी नेम या पार्टी नेम के अंदर यहाँ प्रेजेंट होएगा, ये यहाँ प्रेजेंट होएगा। अब इसका मतलब ये पार्टी, इसका मतलब इस पार्टी ने इस पार्टी को सामान बेचा है। अब हमें तय करना है भी हम मुकेश कुमार हैं या श्री श्याम ट्रेडर्स है। अगर हम श्री श्याम ट्रेडर्स है और हमने क्या दिया इसको इनवॉइस, इनवॉइस दिया इसका मतलब हमने सामान बेचा है, इनवॉइस लिखा होगा इसका मतलब वो सामान खरीदने या परचेजने का वाउचर होता है गाइस, इसके अलावा कोई वाउचर नहीं हो सकता वो। तो गाइस इसका मतलब यहाँ पर इनवॉइस नंबर फर्स्ट 001, क्यों हमने 001 क्यों लगाया, आप कहोगे भी हमने तो यहाँ पे तो 654 लगा दिया था और यहाँ पे 001 लगा दिया था, क्योंकि गाइस यहाँ पे उसकी बिल बुक उसकी चल रही है, उसका सीरियल नंबर कुछ भी हो सकता है, हमें से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो हमारी तो शॉप ओपन करने के बाद हमने फर्स्ट इनवॉइस हम कर रहे हैं तो हमारा 001 से स्टार्ट होता है हमेशा ही, तो हमने 001 से इसको स्टार्ट कर दिया और डेट वही 5 तारीख और पार्टी ने मुकेश कुमार, ये हमने शुगर और इसको टी बेची है, ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसका रेट है और ये इसकी अमाउंट है। तो गाइज इसके अंदर ये टोटल अमाउंट इतनी होगी, ये टोटल इसका इनवॉइस का टोटल ये आ जाएगा 2,856। डिस्काउंट वगैरह अभी तक हमने इसमें कोई एंट्री नहीं करी है, नहीं लें तो जो बिल का जो नेट इनवॉइस है वो 2,856 रुपये ही बनेगा।
अब इसका मतलब क्या हो गया, भी हमारी दुकान से सामान गए, तो जब सामान हमारी दुकान से जाता है तो हम क्या प्रेजेंट करते हैं गाइज, इस चीज को मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये सामान, सामान अगर हमारे व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट, अगर सामान आ रहा है तो डेबिट होता है, जा रहा है तो। अब हमें देखना है भी इस वाउचर के थ्रू क्या हो रहा है, सामान जा रहा है तो किराना गुड्स होएगा क्रेडिट। अब ये चीज तय करनी है ये कैश बिल है या उधार का बिल है, तो गाइज यहाँ पे टिक कर रखा है क्रेडिट पे, इसका मतलब ये बिल उधार है, अगर नगद होता तो कैश पे टिक होता, तो जरूरी नहीं गाइज यहाँ पे टिक हो। कई बार हम कई कस्टमर दुकानदार है जो यहाँ पे उधार अपने हाथ से भी लिख देते हैं, अगर क्रेडिट है तो इसके ऊपर टिक हो जाएगा। तो गाइज इसका मतलब लेने वाला कौन हो गया सामान, अब कस्टमर की परिभाषा क्या कहती है इसको भी हम जूम करके थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो कस्टमर, पैसा या सामान अगर हमसे कोई उधार ले रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, पैसा या सामान अगर हमें कोई उधार दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। अब लेने वाला कौन है, मुकेश कुमार, तो गाइज मुकेश कुमार को हम डेबिट करेंगे, इसके जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, मुकेश कुमार अकाउंट डेबिट टू किरियाना गुड्स। तो गाइज कल को हम ये नहीं कह सकते मुकेश कुमार अकाउंट डेबिट टू श्री श्याम ट्रेडर्स। गाइज एक चीज का ध्यान रखना, अपनी फर्म के अंदर अपने बिजनेस के अंदर हमारी फर्म का नाम कहीं भी नहीं आता, हमने फर्म का नाम कहीं जिक्र ही नहीं होता हमारी फर्म का, हम किसी को मतलब खुद की फर्म को डेबिट करें या क्रेडिट करें ऐसा कोई रूल नहीं होता। और यहाँ पे इसका नरेशन बन जाएगा इनवॉइस नंबर 001। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज हमारी नेक्स्ट एंट्री थी, हमने रवि कुमार को 4512 रुपये का नगद किरियाना सामान बेचा। यहाँ पे गाइज देखो एक चीज क्लियर हो रही है भी, यहाँ पे तो था उधार की पिछली एंट्री मुकेश कुमार की, अब यहाँ पे रवि कुमार को हमने नगद बेचा है, क्योंकि आप कल को के भी पार्टी नेम में तो रवि कुमार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रवि कुमार तो जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा ये केस के ऊपर टिक का, ये नगद का बिल है और यहाँ पर भी केस लिखा हुआ है। तो गाइज इसका मतलब हमने सामान बेचा है, हमारा ये इनवॉइस है, हमने सामान सेल किया है, तो सेल की कंडीशन के अंदर सामान हमारे व्यापार से जाता है, तो हम किराना गुड्स हमारी दुकान से जा रहे हैं तो अब किराना गुड्स को हम करेंगे क्रेडिट, और हमने उधार नहीं बेचा ये नगद बेचा है, तो नगद की कंडीशन में क्या होता है, कैश हमारी दुकान के अंदर आता है, और जब पैसा हमारी दुकान के अंदर आता है तो हम क्या करते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो गाइस इसका भी रूल आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे पैसे की कहानी भी यही है भी, पैसा अगर हमारे व्यापार में आ रहा होता है तो हम डेबिट करते हैं, अगर पैसा हमारे व्यापार से जा रहा होता तो हम क्रेडिट करते हैं। तो गाइस ये भी कैश, अब इसका मतलब पैसा हमारे व्यापार में आ रहा है, इस कंडीशन में अब रवि कुमार का कोई जिक्र नहीं होगा, अब कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, तो जो चीज डेबिट होने वाली होती है उसका नाम हमेशा पहला लिखा जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किरियाना गुड्स, ये इसकी जर्नल एंट्री गाइज बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू किरियाना गुड्स इनवॉइस नंबर 002 से। गाइज नेक्स्ट एंट्री हमारे पास थी, हमने 3440 रुपए का नगद किरियाना सामान बेचा, इस लाइन के अंदर हमने कोई किसी का नाम नहीं लिखा था, ये हमारी पूरे दिन की केस की सेल है। अब केस की सेल कैसे हो सकती है, अब कल को अपने कहीं भी केस की सेल तो पीछे वाली भी थी, लेकिन उसके अंदर तो रवि कुमार का नाम था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली केस लिखा हुआ है। तो गाइज केस का मीन्स ये हो गया कि हमारी दुकान के अंदर पूरे दिन की मिसलेनियस सेल्स होगी, ये हमारी दुकान में शुगर वगैरह, ये टी वगैरह, राइस वगैरह इतने बेचे थे, कोई 2 किलो या 1 किलो या 1 पैकेट 2 पैकेट ऐसे मिसलेनियस सेल हुई थी, जो ऐसे कस्टमर थे जो हमें पैसा तो दे गए लेकिन इनवॉइस नहीं लेके गए। तो गाइज हमने इसका शाम के दिन के लास्ट के अंदर इसका एक ही इनवॉइस बना के और हमने भी केस का मिलान कर लिया। गाइज अगर हम इसका अगर इनवॉइस नहीं बनाते तो हमारा ये शुगर टी और राइस का कभी स्टॉक मैच नहीं होएगा फिजिकली, और यहाँ पर भी हमने केस पे टिक किया हुआ है और पार्टी नेम भी केस है। तो अब केस अगर हमने सामान बेचा तो इसका कंडीशन क्या होगी भी, पैसा हमारी दुकान में आ रहा है, और जब पैसा हमारी दुकान में आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और सामान हमारी दुकान से जा रहा है तो इसका मतलब जब सामान हमारी दुकान से जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, इसका मीन जब सामान हमारे व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट। अब एक चीज़ क्रेडिट और एक चीज़ डेबिट, तो कैश आ रही है तो डेबिट होने वाली चीज़ हम पहले प्रेजेंट करेंगे गाइज, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू किरियाना गुड्स। अब किरियाना गुड्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारी कॉमोडिटी का नाम साथ में लिखना बहुत ही जरूरी होता है गाइज, नहीं तो हमें आगे दिक्कत बहुत होती है इस चीज़ की। अब क्या दिक्कत होती है ये फ्रेशर स्टूडेंट के भी शायद हो सकता है ना समझ में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। गाइज हमारी नेक्स्ट एंट्री थी, हमने मुकेश कुमार से 1000 रुपये नगद प्राप्त किए थे। गाइज अभी तक तो था हमारा सेल्स का इनवॉइस, और अब हमारी यहाँ पे शुरू हो जाएगी रिसिप्ट। तो
इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे उस वाउचर हर एक वाउचर के ऊपर का जो जिस टाइप का जो वाउचर होता है उसके ऊपर यहाँ पे नाम जरूर लिखा होता है, ये कैश रिसिप्ट, और उनके ऊपर लिखा होता इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब सामान बेचने या खरीदने का, कैश रिसिप्ट का मतलब आप इसमें यह तो भुगतान कर रहे हो या भुगतान ले रहे हो, पैसा आपके पास आ रहा है। तो गाइज अब इस वाउचर के हमने मुकेश कुमार से 1,000 रुपये नगद प्राप्त किए थे। अब प्राप्त करने वाला कौन है, श्री श्याम ट्रेडर्स। अब श्री श्याम ट्रेडर्स कौन है, हमारी फर्म की खुद है। तो इसका मतलब क्या, इस वाउचर की लाइन क्या बनेगी, मुकेश कुमार से 1,000 रुपये नगद प्राप्त किए। अब नगद प्राप्त किए तो गाइज पैसा हमारे व्यापार के अंदर आ रहा है, और जब पैसा हमारे व्यापार के अंदर आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो फिर देने वाला कौन है पैसे को, मुकेश कुमार। अब देने वाले की क्या प्रेजेंट कैसी है, ये पैसा या सामान अगर हमें कोई दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, सॉरी गाइस ये आ जाएगा क्रेडिट, ये जी पैसा या सामान हमें उधार दे रहा है तो क्रेडिट। अब पैसा हमारी दुकान में आ रहा है तो ये डेबिट, एक चीज डेबिट होगी एक चीज क्रेडिट होगी। अब पैसा हमारी दुकान में आ रहा है और डेबिट होने वाली चीज पहले लिखते हैं, तो इसका वाउचर हमारे पास क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मुकेश कुमार। अब मुकेश कुमार का जिक्र क्यों हुआ है, अब कल को या गाइस आप ये मत कह देना कैश अकाउंट डेबिट टू श्री श्याम ट्रेडर्स, अभी हमें तो पैसा आ रहा है, हम खुद डेबिट या खुद क्रेडिट होंगे, हमारी फर्म का नाम हमारी बुक्स के अंदर कभी नहीं आता। तो गाइस यहाँ पे ग्रोस कह रहा है हमें कोई कैश डिस्काउंट इसको अभी दिया नहीं है, तो नेट कैश रिसीव्ड 1,000 है। इसका मतलब श्री मुकेश कुमार से 1,000 रुपये हमने नगद प्राप्त किए। तो गाइस एक चीज का ध्यान रखना, थ्योरी हमेशा अपने वालों ही लागू रखनी है। अब जैसे हमने मुकेश कुमार से 1,000 रुपये पैसा प्राप्त किया है, तो हमें को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना भी मुकेश कुमार ने हमारे को 1,000 रुपये का भुगतान किया। गाइस ये मुकेश कुमार अपने बुक्स में लिखेगा अपने घर पे जाके भी मैं श्री श्याम ट्रेडर्स को 1,000 रुपये का नगद भुगतान किया, ये अपनी बुक्स में प्रेजेंट करेगा। और श्री श्याम ट्रेडर्स अपनी बुक्स में ये प्रेजेंट करेगा कि मुकेश कुमार से 1,000 रुपये नगद प्राप्त किए, क्योंकि श्री श्याम ट्रेडर्स प्राप्त करने वाला तो वो रिसीव्ड का वर्ड यूज करेगा। तो गाइस ये नेक्स्ट एंट्री, इसके ऊपर भी कैश रिसिप्ट लिखा हुआ है, लेकिन अब कैश रिसिप्ट करने वाला कौन, यानी कि नगद प्राप्त करने वाला कौन है, राम इंटरप्राइजेस, किस से, श्री श्याम ट्रेडर्स से। अब श्री श्याम ट्रेडर्स हमारी फर्म है, तो अब हमारी तरफ से क्या लैंग्वेज बन जाएगी, हमने राम इंटरप्राइजेस को 2,000 रुपये का नगद भुगतान किया, राम इंटरप्राइजेस को 2,000 रुपये का नगद भुगतान किया। तो नगद भुगतान की कंडीशन में क्या होता है, पैसा हमारी दुकान से जाता है, और जब पैसा हमारी दुकान से जाता है तो हम क्या करते हैं, भी पैसा अगर हमारे व्यापार से जाता तो क्रेडिट। अब इसका मतलब पैसा जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, तो फिर कैश को लेने वाला कौन है, अपने पैसा भुगतान किया इसको, अब इसका मतलब लेने वाला हो गया राम इंटरप्राइजेस। अब राम इंटरप्राइजेस को हम डेबिट करेंगे। अब डेबिट का रूल क्या कहता है, भी जब पैसा या सामान हमारे उधार हमसे कोई ले रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो गाइज ये इसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे, हर वाउचर के अंदर गाइज आपको सिर्फ गोल्डन रूल्स याद होने चाहिए, डेबिट क्रेडिट अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। और एक चीज ध्यान रखना, अपनी फर्म में अपने बुक्स का नाम कहीं नहीं आता, ये गाइज मैं आपको बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो गाइज ये थी हमारी अभी तक की सारी प्रेजेंटेशन, किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो गाइज ये थी हमारी जो टोटल ट्रांजेक्शन करी थी उनकी जर्नल एंट्री। गाइज जर्नल एंट्री बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए भी क्या चीज आ रहा है क्या चीज आ रहा है, कौन दे रहा है कौन ले रहा है, उधार है या नकद है बस। तो गाइज अब एक चीज आपके सामने मैं एक प्रेजेंट और कर रहा हूँ, जो हमने फर्स्ट हमारी जो ट्रांजेक्शन थी वे राजेश कुमार ने 50,000 रुपये नगद से बिजनेस शुरू किया है, तो गाइज उसकी ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ बनाई है, वहां पर नहीं बनाई आपको, क्योंकि इस चीज का कोई भी वाउचर नहीं होता। तो गाइज मैंने यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश कुमार, टू इस चीज को ध्यान से देखना आप, टू राजेश कुमार। अब राजेश कुमार कौन है, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ओनर। तो गाइज अब कल को आप ये कहोगे भी हमें तो यूट्यूब पे ये चीज सिखाया जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो गाइज वो एज की बुक्स की परिभाषा है, हम बुक्स की परिभाषा नहीं पढ़ रहे, हम रियल प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो गाइज क्योंकि बुक्स के अंदर तो आपको ये भी चीज भी पढ़ाया जाता है, जैसे हमने ये एंट्री को यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन करी है भी किराना गुड्स अकाउंट डेबिट टू राम इंटरप्राइजेस, लेकिन आपको बुक्स के अंदर पढ़ाया या बहुत सारे यूट्यूबर भी आपको ये चीज बताएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम इंटरप्राइजेस। गाइज वो प्रेजेंटेशन हालांकि गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो रियल लाइफ के अंदर रियल प्रैक्टिकल के अंदर वो चीजें लागू नहीं होती। जो अब यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ये रियल प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, न कि मैं कोई बुक्स की कोई बात कर रहा हूँ मैं।
कई जब हमने बुक्स की बात बहुत पढ़ ली, हमने बुक्स की और रियल प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है गाइज। तो गाइज अब हमें अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल्स होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो गाइज आज का ये वीडियो हम कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की टेक्निकल और अकाउंट के संबंधित नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इन जो जनरल एंट्री जो हमने बनाई है इन्हीं एंट्रियों की हम लेजर कैसे क्रिएट करेंगे और इनका ट्रायल बैलेंस कैसे बढ़ाएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।